हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है कमेंट रिप्लाई के ऊपर कि थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके ऊपर एक कमेंट आया है कि ऋषभ भाई का एक कमेंट है कि थोड़ा बहुत जानने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट तो कर दिया तो क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करें। तो उसके बारे में पहले कमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर दिखेगा आपको, और उसके बारे में हम रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि सर, क्लाइंट को सामने से पिच कैसे करें इनिशियल लेवल पर फर्स्ट टाइम में, कि क्लाइंट को कैसे पिच करें फर्स्ट टाइम के अंदर। उसमें है कि मींस फर्स्ट टाइम को इनसे पहले किसी के साथ वर्क नहीं किया हो तो रिजल्ट दिखाने के लिए कुछ नहीं है। कि जैसे कि आप नए नए डिजिटल मार्केटिंग सीख के बाहर आए हो, या तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ख़त्म किया, आपके पास किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, या तो कोई क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, तो कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़, जो भी डिजिटल मार्केटिंग जब भी आप सीख रहे हो तब आपको वहाँ से बोला जाता है कि आप खुद की वेबसाइट बनाओ, खुद के फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम बनाओ, यूट्यूब बनाओ, कोरा, पिंट्रेट, ये सब प्लेटफॉर्म पर खुद का प्रेजेंस बनाओ, गूगल माय बिजनेस। तो तब आपने काम किया होगा तो वहाँ पर क्लाइंट का नहीं, आपका खुद का रेफरेंस आएगा कि मैंने खुद के लिए वेबसाइट बनाई है, फेसबुक पेज मेंटेन किया, इंस्टाग्राम किया, यूट्यूब किया। जो भी आपने खुद के लिए किया है वो चीज़ आप दिखा सकते हो कि मैंने मेरी वेबसाइट रैंकिंग में लाया, मेरा फेसबुक पेज मेंटेन किया, यहाँ पर फॉलोअर्स बढ़े, तो खुद का रेफरेंस पहले आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा काम कि सर मेरे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट खुद के लिए तो करो। वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आप जहाँ से भी सीख रहे हो वहाँ से बोला जाता है आप खुद के लिए प्लेटफॉर्म बनाओ। पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि क्लाइंट्स आपके पास नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद के लिए प्लेटफॉर्म बनाओ, उस पर काम करो और वो रिजल्ट दिखाओ कि मेरे लिए मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो सर आपके बिजनेस के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैंने जिससे भी ये क्वेश्चन किया है उन्होंने ये रिप्लाई किया कि क्लाइंट के बारे में पहले रिसर्च करो, वो क्या गलती कर रहे हैं वो उनसे बात करो या तो उससे बताओ। तो पहली चीज़ कि क्लाइंट जो भी गलती कर रहा है वो उसको बतानी नहीं है। पहले क्लाइंट के बारे में पूरी चीज़ें जानो कि मैंने ये भी ट्राई किया कि दो तीन बार पहले क्लाइंट के रिसर्च किया और उसको उसकी गलती बताई, एड्स रन कर रहे उसमें पोस्ट क्या कर रहे वो सब बताया, उनको कुछ टिप्स भी दिया टॉपिक पे, फ्री सर्विस के लिए बोला, एक मंथ का फ्री में काम करके दूंगा, उसके बाद आप काम करवाना, ये सब चीज़ आपने एक साथ बता दी। तो क्लाइंट को ये सब सी चीज़ बता के कन्फ्यूज नहीं करना है। पहली तो बात ये कि मैंने जिससे भी ये क्वेश्चन किया उन्होंने ये किया कि पहले रिसर्च करो, तो क्लाइंट के बारे में रिसर्च करना तो ज़रूरी है, बट कैसा रिसर्च आपको पता नहीं होगा, क्लाइंट्स के पास कितने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, दूसरी चीज़ वो कहाँ कहाँ एड्स चला रहे आपको पता नहीं होगा। तो पहला तो मेरा जो मानना है वो ये चीज़ है कि आप क्लाइंट के पास जाओ, उससे बात करो कि आपकी वेबसाइट कितनी है, या तो आपको वेबसाइट जो भी है वो बताओ, आपका फेसबुक पेज है कि नहीं, इंस्टाग्राम है कि नहीं, गूगल माय बिजनेस है कि नहीं, उसके प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ ऑनलाइन अवेलेबल है वो क्लाइंट से ही पूछना है। आप लोग बोलेंगे खुद से रिसर्च करूंगा, बट क्लाइंट्स एड चला रहा है उनसे पेज के नहीं, दूसरे पेज से एड चला रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। आप उसके पेज में देखोगे फेसबुक पर एड चल रही है कि नहीं, बट वहाँ पर नहीं दिखेगा दूसरे पेज से चला रहा है। तो उससे अच्छा है कि बेटर है कि क्लाइंट्स के पास ही जाओ, उसको पूछो कि आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो तो एजेंसी से करवा रहे हो, तो क्लाइंट आपको बोलेगा कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा काम होता है। उसके बाद आपको वहाँ से टाइम लेना, क्लाइंट को बोलना है कि एक दो दिन के बाद मैं आपको रिप्लाई करता हूँ कि आपका जो भी एनालिसिस होगा मैं आपको बताऊँगा। कभी भी क्लाइंट को पहली बार में कोटेशन नहीं देना है, इतना प्राइस होगा कभी मत बोलना। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है गलती कि मैं ऐसे क्लाइंट को बोल देता हूँ फेसबुक एड का इतना लगेगा, पेज का इतना लगेगा, ये सब चीज़ का इतना लगेगा। क्लाइंट को कभी पहले प्राइस मत बताओ, उसकी पोजीशन, उसकी सिचुएशन, उसकी कंपनी, उसके पास कितने क्लाइंट्स है, उसके वहाँ कितने एम्प्लॉयज है, उसकी कंपनी कितना टर्नओवर करती है, वो सब चीज़ें पहले क्लाइंट से जाननी है। ये चीज़ आप लोग गलती कर रहे हो स्टार्टिंग में। और भी बहुत कुछ लिखा है लेकिन किसी का वापिस रिप्लाई नहीं आता है, कैसे आएगा, क्योंकि आप खुद होते हो कि व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया है, आप उसको जानते ही नहीं हो तो रिप्लाई नहीं करते हो। तो वैसे ही क्लाइंट के साथ आप इंटरेक्शन कर रहे हो, वहाँ पर बता दो कि सर आपका SEO अच्छा नहीं है, आपका एड्स अच्छा नहीं है, आपका पोस्ट अच्छा नहीं है। किसी को खुद के बारे में अच्छा नहीं सुनना अच्छा नहीं लगता है, कोई आपको बोलेगा कि आप ये गलती कर रहे हो अच्छा नहीं लगता है, तो किसी को वहाँ पर गलती नहीं दिखानी है। आप उनके लिए क्या कर सकते हो वो सिर्फ बताना है कि आपका पोजीशन अभी यहाँ पर है, मैं अगर आपके लिए काम करके दूंगा तो आपका पोजीशन यहाँ पर आ सकता है। इस वीडियो को थोड़ा लंबा होगा बट मैं पूरा रिप्लाई करूंगा। तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ पता नहीं चल रहा है, क्लाइंट को पिच करने में उनसे पहले कॉल पर बात करें, मेल करें, प्रेजेंटेशन करें, क्या करें। तो मेल और प्रेजेंटेशन में अभी जो आप इंडिया की बात कर रहा हो बहुत सारी जगह चलता है,
बट मेरा मानना ऐसा है कि आप क्लाइंट से कॉल पर या तो वीडियो कॉल, जूम पर, कहीं पर भी फेस टू फेस बात करो या तो वॉइस पर। कॉल पर बात करोगे तो क्या होगा, क्विक डिसीजन। उसमें क्या होगा, आप व्हाट्सअप करोगे, मैसेज करोगे तो मेल में क्या होगा, वो जब भी फ्री होगा तब रिप्लाई करेगा। उससे अच्छा है कि आप उससे एक टाइम ले लो कि वो टाइम के अंदर आप उससे बात करो तो क्विक डिसीजन आता है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो उससे तो ऑन द स्पॉट वो आंसर करता है, और व्हाट्सअप में मेल में क्या करता है, बाद में जब वो फ्री होता है तब जाके रिप्लाई करता है। तो ये चीज़ है कि पहले आप कॉल करो या तो वीडियो कॉल करो। कई सारे लोग अगर दूर बैठे तो उससे आप मेल या तो चैटिंग में बात कर सकते हो तो वीडियो कॉल में। मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस है वो कॉल रहेगा। अगर आपके आजू बाजू में उसका ऑफिस है या तो कुछ भी काम है तो 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में आप खुद जाके आओ। वहाँ पर क्या होगा कि कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसकी कंपनी कितनी बड़ी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये बंदा मेरे को 20,000 50,000 लाख रुपए दे सकता है। क्योंकि आपने जब तक उसकी कंपनी उसका काम नहीं देखा है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे को कितना पैसा दे सकता है। और आप उसको बड़ा कोटेशन दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, छोटा कोटेशन दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई छोटी लेवल की कंपनी को आप लाख रुपए बोल दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, वहां पर वो काम नहीं करवाएगा। तो आप गलती क्या कर रहे हो कि पहले प्राइस बोल देते हो या तो उसका काम देखे बिना ही आप उसको बोल देते हो कि आपका ये चीज अच्छा नहीं, मैं ये करके दूंगा। उससे पहले आप उसका पूरा रिसर्च करो, क्लाइंट से बात करो कि आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, कितना काम हो रहा है। उसके बाद आप उससे टाइम लो, 1-2 दिन का टाइम एटलीस्ट लो ही। उसके बाद पूरा रिसर्च करो, आपके सर से पूछो, उस इंडस्ट्री के अंदर जो भी बंदे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, गूगल पर देखो, उस इंडस्ट्री के अंदर क्या काम होता है। आप किसी के भी क्लाइंट के पास जाते हो सब चीज़ आपको पता नहीं होती, तो सब इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग एडवर्टाइज, मार्केटिंग, पोर्टफोलियो सब जगह अलग अलग रहता है। तो आप पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ले लो, उसके बाद रिसर्च करो और 2-3 दिन के बाद वहां पर जाओ कि सर आपका ये चीज़ है, इतनी चीज़ें हैं, इसके अंदर ये मार्केटिंग हो सकता है, उसमें इतना रिजल्ट मिल सकता है, आप अगर ये करवाते हो तो ये हो सकता है। और एक चीज़, कई सारे लोगों ने बोला कि मैं फ्री में करके दूंगा 1 महीने, अपने क्लाइंट को मुँह से बोला कि मैं 1 महीने आपको फ्री में करके दूंगा और उसने आपको रिप्लाई भी नहीं किया, नहीं करेगा। उसका भी एक सोल्यूशन देता हूँ, अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो समझो मेरा कोई एडवर्टाइज का काम है या तो मेरा कोई एजेंसी है, तो आप क्या करोगे, मेरे पास आओ, उससे पहले मेरी वेबसाइट होती है, फेसबुक होता है, वहां पर पहले रिसर्च करो, उसका लोगो, मेरा लोगो ले लो, मेरे फोटोज ले लो, पोस्टर्स ले लो, और मेरे लिए आप पोस्टर बना के आओ, बाद में मेरे पास आओ। तो आप क्या करोगे, क्लाइंट के पास जा रहे हो उससे पहले उसका जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कहीं से भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले ले रहे हो, उसका एक पोस्ट बनाओ, वेबसाइट का एक डेमो पेज बनाओ, या तो जो भी आप करना चाहते हो क्लाइंट के लिए, उसका पहले डेमो बना के जाओ, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये सब चीज़ें उसको दिखेगी। खुद की तारीफ किसी को पसंद नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। तो उसके खुद का बिजनेस वहां पर लोगो दिख रहा है, उसका पोस्टर दिख रहा है, उसका नंबर दिख रहा है, तो क्या रिलेट कर पाएगा कि ये बंदा मेरे लिए काम करके आया है। आप क्या करोगे, किसी और के लिए काम किया उसका पोस्टर दिखाओगे, मैंने ये चीज़ की है आपके लिए कर दूंगा। उससे अच्छा बेटर है क्या है, वो एक वेबसाइट का डेमो पेज बना दो, अगर आपको आता है तो मैं आपके लिए ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप जो भी करना चाहते हो क्लाइंट के लिए, तो ऐसी चीज़ पहले बना दो और उसके बाद उसके पास जाओ कि सर ये चीज़ें होती है, मैं आपके लिए ये चीज़ कर सकता हूँ और आपका प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ये चीज़ कर सकते हो। अभी तक तो मैंने उनके मेल पर, उनके सोशल मीडिया के DMs किए रिटर्न में, तो रिटर्न मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, टॉकेटिव बनो कि टॉक करोगे तभी ऑन द स्पॉट रिप्लाई आएगा। बाकी मेल में या तो व्हाट्सअप में आप रिप्लाई के लिए राह ही देखते जाओगे, दूसरों को वो दे देगा काम। तो उससे पहले आप काम करने के पहले क्या करोगे, उससे थोड़ी बात करने के बाद उसका नंबर ले लो, उससे टाइम ले लो कि इस टाइम पे ऊपर मैं आपको कॉल करूंगा, उसके बाद बात करो। क्या आप कुछ एग्जांपल के साथ बता सकते हो, केस स्टडी साथ, किसी को पिच करना है तो कैसे करें, क्या तैयारी होनी चाहिए? तैयारी कुछ नहीं करनी है दोस्त, तैयारी में क्या होना चाहिए, मतलब कि आप क्लाइंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट के बारे में उससे ही पूछो। ओपन एंडेड मतलब कि सर आपके कितने ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो वो आंसर करेगा मेरा यहाँ यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये है। सर आप कितनी पोस्ट करते हो, आप कितने एडवर्टाइज करते हो, वो खुद आंसर करेगा। आप 1 मिनट का क्वेश्चन करोगे वो 10 मिनट का आंसर देगा, बट आपको क्वेश्चन ऐसा ओपन एंडेड होना चाहिए कि यस या तो नो में आंसर नहीं, एक पूरा लंबा आंसर होना चाहिए उसके सामने से। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछो, तो वहां से आप कलेक्ट करोगे इन्फॉर्मेशन, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप पूरा कंक्लूजन लेके जाओगे, सर आपका प्रेजेंस यहाँ है, इतनी पोस्ट कर रहे हो, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन में पोस्ट कर रहे हो, यहाँ यहाँ एडवर्टाइज कर रहे हो, तो इससे रिजल्ट मिल रहा है, बट मैं यहाँ यहाँ ये चेंजेस करूंगा और यहाँ से ये रिजल्ट्स मिलेंगे। और कुछ डेमोज लेके जाओगे कि मैंने ये पोस्टर बनाया, देखो सर आपके पहले के पोस्टर ऐसे, मैं ऐसे बना सकता हूँ, आपकी वेबसाइट ऐसी है, मैं ऐसी बना सकता हूँ, इससे आपका प्रेजेंस ऊपर आएगा, इससे आपका सेल्स बढ़ेगा, इंक्वायरी बढ़ेगी, इंक्वायरी
कैसे बढ़ेगी, कौन सी एड चलेगी, आप उसको टेक्निकल में मत लेके जाना। टेक्निकल किसी को अच्छा नहीं लगता है कि सर मैं ये कर दूंगा, एसईओ कर दूंगा, वैसे नहीं, रिजल्ट दिखाओ। सर ये भी आपकी 500 लीड जा रही है, मैं चेंजेस करूंगा 700 हो जाएगी, 600 हो जाएगी, 800 हो जाएगी, उसको रिजल्ट्स दिखाओ। क्लाइंट्स को रिजल्ट्स चाहिए, टेक्निकल कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए। उसको पता नहीं है क्या होता है, एड्स क्या होती है, गूगल एड्स क्या होती है, एसईओ क्या होता है, उससे कुछ लेना देना नहीं। आप उसको सेल्स ला के दो, पैसे ला के दो, वो आपको पैसे देंगे। बट आपके लिए ये चीज मैटर करेगी, क्लाइंट्स को पहले जानना उसकी ऑडियंस कहाँ है, कैसे काम करती है, और उसी इंडस्ट्री के अंदर दूसरे बंदे कैसे काम करें, उसके लिए आपको टाइम चाहिए ही चाहिए। तो क्लाइंट्स से पहले आप थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद ही उसका काम शुरू करो। कॉल पर बात करनी हो तो कैसे स्टार्ट करें, कॉल पर बात करनी हो तो बोला कि ओपन एंडेड, कि आप उसको क्वेश्चंस करोगे कि सर आप रिप्लाई करो कि इसके बारे में कि आपका काम है, कि आपकी इंडस्ट्री है तो उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं और वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, मैं रिसर्च करके दूंगा, बट आप लोग क्या कर रहे हो वो पूछो। कि आप लोग इतना काम कर रहे हो, बोल रहे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि इसके अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से, वो नाम दो मेरे को, तो वो नाम ले लो, उससे रिसर्च करो। कॉल पर बात करने के लिए आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए। आप खुद सब चीजों के बारे में नहीं जानते हो, नए बंदे हो इसलिए बोल रहा हूँ कि नए बंदे हो, सब इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, कोई टेक्सटाइल के बारे में नहीं जानता, कोई इंडस्ट्री कोई और होती है, कोई गोल्ड की होती है, कोई ज्वेलरी की, कोई डायमंड की, कोई क्या होती है कंस्ट्रक्शन लाइन की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, तो सब जगह एक जैसी मार्केटिंग नहीं चलती है। तो ऐसा रहेगा। और भी अगर कोई आपको क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग या तो एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी ऑनलाइन के बारे में या तो टीचिंग के बारे में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर मैं रिप्लाई करूंगा, वीडियोस बना दूंगा या तो कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही बहुत सारी रियल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।